इस वीडियो को देखने के बाद आपका पप्पी और या डॉग की जो पोटी और सुस की प्रॉब्लम है, जो आपके घर में जो आप न्यू पप्पी लेके आए होंगे या आपके पास ऑलरेडी कोई डॉग होगा, तो वो घर में इधर उधर पोटी या सुसु कर देता होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई भी यूट्यूबर जो होगा वो प्रूफ नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको स्प्रे या दूसरे पैड या अन्य चीज़ों के लिए बारे में ही बताते हैं यूट्यूबर। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो मेरा जो रॉटवाइलर है उसको मैंने घर के बाथरूम की ही आदत डाल रखी है, वो हमेशा जब भी उसको पोटी या सुसु आता है वो बाथरूम में ही जाके करता है, और जब हम उसे बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए तो बाहर की भी आ जाता है उसको, कि वो खुले प्लॉट में या कोई भी आसपास का जो खाली जगह होता है वहाँ पे पॉटी करता है। क्योंकि दोस्तों ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि आप अपने डॉग को सिर्फ घर में ही बंद करके रखोगे और वो घर में ही बाथरूम करे, नहीं आप उसको घुमाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं उसको कभी कभार बाहर भी घुमाता हूँ, जिसके से वो बाहर भी फ्रेश हो जाए आराम से घूम फिर के, मतलब वो फ्रेश होता है। दोस्तों आप एक पप्पी लेके आए होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से लेके आओगे आप मतलब आपकी जो पप्पी है उसकी एंट्री ही बहुत मुश्किलों से हुई होगी, उसके बाद भी क्या होता है वो इधर उधर पॉटी सुसु कर देता है या गंदगी फैलाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डांट सुनना पड़ता है अपने से बड़ों से। तो पर इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी, चाहे आप अपने पप्पी को घर की आदत डालना चाहते हो या आप उसे बाहर की आदत लगाना चाहते हो कि वो खुली जगह पर पॉटी करे। सिर्फ इन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका जो वो पप्पी है वो बहुत जल्द से जल्द ट्रेंड हो जाएगा। स्टेप 1 में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। दोस्तों स्टेप 1 में आपको अपने पप्पी या डॉग को ऑब्जर्व करना है कि वो जब भी खाना खाता है उसके कितनी देर बाद फ्रेश होता है, मतलब वो कब पॉटी या सुसु करता है खाना खाने के बाद। तो जब भी आप उसको 1 से 2 दिन उसको ऑब्जर्व करें अच्छे से कि वो कब फ्रेश होता है खाना खाने के, कितने मतलब उसको कितना टाइम लगता है पॉटी, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है स्टेप 1 में। और अब बढ़ते हैं सीधा स्टेप 2 की तरफ, जिसमें आपको अपने पप्पी को या डॉग को खाना खिलाने के बाद उसे तुरंत उसे ऐसी जगह पर लेके जाना है जहाँ पे आप अपने पप्पी को वो फ्रेश करवाना चाहते हो, और वो वहीं पे आप उसे लैटरिंग या बाथरूम जो भी चीज़ें आप वहीं करवाना चाहते हो तो आपको वहाँ लेके जाना है, और वहाँ पे कुछ देर तक उसको खुला छोड़ देना है और उसके साथ वहीं रहना है, जिससे उसको किसी तरीके का मतलब प्रॉब्लम ना हो। फिर आप जब उसके साथ वहाँ रहेंगे तो देखना, गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, कुछ ही देर बाद वो पोटी या सुसु कर देगा। और यहीं से आता है हमारा स्टेप 3, जैसे ही वो पोटी या कुछ भी करता है फ्रेश होता है आपको उसको बहुत सारा प्यार करना है, उसको अच्छे से रियलाइज़ करवाना है आपको ये कि उसने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है और सही जगह पर किया है। और अगर आप उसे कहीं पे भी पॉटी करने के बाद वहाँ पे उसको प्यार करोगे तो उसको लगेगा भाई मैं तो कहीं पे भी पॉटी कर देता हूँ मेरे को प्यार मिलता है, तो नहीं, आपको अगर वो दूसरी जगह पॉटी करता है तो आपको उसे डांटना है उसको डराना है, लेकिन मारना बिल्कुल भी नहीं है, वरना क्या होगा वो डर की वजह से अपनी पॉटी भी खा सकता है। तो उसके बाद क्या करना है आपको अपने मतलब पप्पी को फ्रेश कर लेगा जैसे ही आपका पप्पी, उसके बाद आपको उसे बहुत सारा प्यार देना है और साथ ही उसको ट्रीट्स देनी है खाने के लिए, और उसको मतलब बहुत सारा प्यार दो ट्रीट दो अच्छे से प्यार करो तो उसको लगेगा मैंने अच्छा काम किया मेरे को यहीं पे पॉटी करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दूसरी जगह पॉटी करता हूँ तो मुझे डांट सुनने को मिलती है। और दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी तरीके की डाइट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।